नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भाजपा यह बताया कि बसंत रविदास और उन्हें मानने वाले हिंदू मानती है कि नहीं। पीएल पुनिया, राम मंदिर के दूर दूर भागती कांग्रेस को अब राजनीतिक जमीन बचाने के लिए रविदास मंदिर को अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। आज कांग्रेस ने किया भी कुछ ऐसा ही। जो आज कांग्रेस के दिग्गज नेता के शुमार डॉक्टर पीएल पुनिया ने इसे मुद्दा बनाते हुए कहा कि दिल्ली के तुगलकाबाद में संत रविदास के मंदिर को भाजपा सरकार ने तोड़ने का काम किया और विरोध करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कांग्रेस ने भाजपा की सरकार पर सवालों की झड़ी लगाते हुए तीखा हमला बोल दिया। भाजपा सरकार पर हमला बोलने का काम कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया ने किया। पीएल पुनिया ने कहा कि उनकी सरकार से मांग है कि उन्हीं जमीन को पुनः सौंप दिया जाए, जिसको दोबारा संत शिरोमणि गुरु रविदास का भव्य मंदिर बनवाया जा सके। बाराबंकी में आज कांग्रेस के दिग्गज नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोल दिया। डॉक्टर पुनिया ने दिल्ली के तुगलकाबाद में संत रविदास का मंदिर ध्वस्त किए जाने का सीधा आरोप भाजपा सरकार पर लगाया और कहा कि भाजपा सरकार ने मंदिर को ध्वस्त कराया है और इसका विरोध करने वालों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। डॉक्टर पुनिया ने भाजपा से सवाल पूछा कि वे संत शिरोमणि गुरु रविदास के ऐतिहासिक मंदिर को मंदिर मानते हैं या नहीं, भाजपा संत रविदास को और उनके अनुयायियों को हिंदू मानते हैं या नहीं, ये स्पष्ट होना चाहिए। हमारी मांग है कि आस्था का सवाल है, इसलिए मास्टर प्लान को दरकिनार कर पूरी जमीन को यथावत वापस करें, जिससे वह पुनः भव्य मंदिर बनाया जा सके। दिल्ली में तुगलकाबाद संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर को ध्वस्त कर दिया भाजपा सरकार ने और उसका विरोध करने वाले लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्या वो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का ऐतिहासिक मंदिर को मंदिर मानते हैं या नहीं मानते हैं? हम ये भी जानना चाहते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को और उनके अनुयायियों को हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये बहुत स्पष्ट और हमारी मांग है कि जो मास्टर प्लान के त्रुटि को सुधारते हुए पूरी जमीन को यथावत, क्योंकि आस्था की और पवित्र स्थान है, उसी स्थान को वापस करते हुए इस मामले को समाप्त करें, ताकि उसके ऊपर मंदिर का निर्माण कराया जा सके।